इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की और मिडिल ईस्ट में आज सुबह दो शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है और मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। अब तक कुल 175 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। वहीं हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग जो है वो माल्टिन और सेनेल उर्फी के शामिल हैं। आपको बता दें कि तुर्की के अडाना शहर में 17 मंजिल और 14 मंजिला इमारतें ढह गई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। भूकंप का पहला झटका स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:17 पर और इसी के कुछ बाद भूकंप का दूसरा झटका केंद्रीय तुर्की में महसूस किया गया। तुर्की में आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। ये भूकंप दक्षिणी तुर्की में आया है। यहाँ पर कई अपार्टमेंट ढह गए हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं भूकंप के बाद तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की और मिडिल ईस्ट में आज सुबह दो शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है और मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। अब तक कुल 175 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। वहीं हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग जो हैं वो माल्टिन और सेनेल उर्फी के शामिल हैं। आपको बता दें कि तुर्की के अडाना शहर में 17 मंजिल और 14 मंजिला इमारतें ढह गई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। भूकंप का पहला झटका स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:17 पर और इसी के कुछ बाद भूकंप का दूसरा झटका केंद्रीय तुर्की में महसूस किया गया। तुर्की में आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। ये भूकंप दक्षिणी तुर्की में आया है। यहाँ पर कई अपार्टमेंट ढह गए हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं भूकंप के बाद तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की और मिडिल ईस्ट में आज सुबह दो शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है और मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। अब तक कुल 175 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। वहीं हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग जो हैं वो माल्टिन और सेनेल उर्फी के शामिल हैं। आपको बता दें कि तुर्की के अडाना शहर में 17 मंजिल और 14 मंजिला इमारतें ढह गई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। भूकंप का पहला झटका स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:17 पर और इसी के कुछ बाद भूकंप का दूसरा झटका केंद्रीय तुर्की में महसूस किया गया। तुर्की में आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। ये भूकंप दक्षिणी तुर्की में आया है। यहाँ पर कई अपार्टमेंट ढह गए हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं भूकंप के बाद तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। वेलकम टू द प्रीमाइसेस ऑफ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एवरी डे एट सेंट थॉमस इज लाइक अ ब्लेसिंग विद एक्टिव स्टूडेंट्स एंड बेनाइन हायर अथॉरिटी। स्पेशल की फीचर्स आर the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।